राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ माघ महात्म की कथा का 23वां अध्याय। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ माघ महात्म की कथा को सुने। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, गुरु देव की जय। लोमश ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवधिति ने मुक्त किया, वह पहले द्रविड नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर सत्यपरायण पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता। शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया। वेधीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध जड़ नपुंसक मूरख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है। शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति समृद्धि और ब्राह्मणों की निद्रा करने लगे। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय के दंड देता। वह कामी सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहित के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव हाथी घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा उसने पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया, दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी
केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्निक्रिया सब को छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ता। जहां सूर्य अति तीव्र था, ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यम लोक में पहुंचा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।